क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंगली में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच के पहले दिन जहां टीम इंडिया की बड़ी हार पक्की नजर आ रही थी, वहीं अब भारतीय टीम ने काफी हद तक वापसी कर ली है और जिस अंदाज में भारत ने वापसी की है वो चमत्कारिक है, वो कमाल है। पहले रोहित और पुजारा और फिर पुजारा और विराट ने जबरदस्त साहस दिखाया और टीम इंडिया को मजबूत किया। लेकिन भारतीय टीम और ज्यादा मजबूत होती और ज्यादा अच्छी पोजीशन में होती अगर मैदान में खड़े अंपायर अंग्रेज टीम का साथ नहीं दे रहे होते। जी हाँ, ये सब कुछ रोहित शर्मा ने तीसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद मीडिया के सामने कहा। रोहित ने मैदान में हो रही अंग्रेज अंपायरों की बेईमानी की पोल खोल दी और न सिर्फ खुद के खिलाफ हुई साजिश बल्कि ऋषभ और पुजारा के साथ हुई बेईमानी का भी पूरा पूरा सच बता दिया। तो क्या क्या तीसरे दिन के खेल के बाद रोहित ने कहा, कैसे अंपायरों की बेईमानी सबके सामने आ गई, सब आपको बताते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मैदान में वाकई अंपायर बेईमानी कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक बहाना है? कमेंट जरूर करें। तो लीड्स टेस्ट में तीसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो अंग्रेजों को लग रहा था कि वो इसी दिन खेल को खत्म कर देंगे और भारत को पारी से बड़ी हार देंगे। लेकिन भारत के लिए पहले केएल राहुल और रोहित ने जबरदस्त शुरुआत दी। हालांकि राहुल लंच से ठीक पहले आउट हो गए मगर उसके बाद आए चेतेश्वर पुजारा और रोहित ने कमाल की बैटिंग की। दोनों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। चेतेश्वर पुजारा तो बिल्कुल अलग अंदाज में बैटिंग करते हुए नजर आए और इतने कॉन्फिडेंट थे उन्हें लग रहा था कि वो सीधे दोहरे शतक के लिए खेल रहे हैं। अब पुजारा और रोहित की बैटिंग अंग्रेज खिलाड़ियों को तो पसंद नहीं आई, साथ ही साथ अंग्रेज अंपायरों को भी रास नहीं आई। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ मैदान में क्योंकि दोनों ही अंपायर एलेक्स वाफ और रिचर्ड इंग्लैंड को लेकर अपनी वफादारी दिखाने लगे थे। मैदान में अंपायरों के कई फैसले ऐसे रहे जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा फैसला तो रोहित शर्मा के आउट देने का ही था। अंपायर ने लेग स्टंप से बाहर जाती बॉल पर रोहित को LBW आउट दिया जबकि साफ साफ नजर आ रहा था कि बॉल बाहर जा रही है, लेकिन फिर भी रोहित को आउट दिया गया। अब वो इसलिए क्योंकि अगर अंपायर्स कॉल होगा तो भी रोहित को मैदान से बाहर जाना होगा, जबकि ऐसी कंडीशन में जबकि बॉल बिल्कुल बाहरी छोर पर स्टंप्स के हो तो संदेह का फायदा बल्लेबाज को मिलता है। मगर अंग्रेज अंपायर तो मौके की तलाश में थे कि कैसे और कब गेंदबाज अपील करे और कब वो अपनी उंगली खड़ी कर दें, और वही रोहित के साथ हुआ। पूरी तरह से नॉट आउट रोहित शर्मा को गलत तरीके से आउट दिया गया, साजिश के तहत आउट दिया गया। इतना ही नहीं, चेतेश्वर पुजारा को भी अंपायर ने एक बार गलत आउट दिया। वो तो पुजारा ने रिव्यू लिया और पुजारा का विकेट बच गया, लेकिन अंपायर ने पूरी तरह से यहां भी तैयारी कर ली थी कि पुजारा को भी आउट देना है, भले ही अंपायर्स कॉल हो तो भी पुजारा को क्रीज छोड़ना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर अंपायर्स कॉल का गणित भी समझ लीजिए, अगर अंपायर ने आउट दे दिया तो आउट और अंपायर अगर नॉट आउट दे दे तो फिर नॉट आउट, और इसी के जरिए जी हाँ इसी साजिश के जरिए अंग्रेज अंपायर अपनी टीम का अपने देश का साथ देने लगे कि अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश हो तो बल्लेबाज को पवेलियन भेजा जाए। अब तीसरे दिन के खेल के बाद रोहित शर्मा प्रेस के सामने आए तो रोहित से इस पर सवाल भी किया गया। रोहित ने पहले कहा कि वो मैदान में अंपायरों के फैसलों पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन अंपायरिंग का स्तर और बेहतर होना चाहिए। जी हाँ, रोहित ने कहा कि अंपायरिंग का स्तर बेहतर होना चाहिए। अब ICC के नियम ही ऐसे हैं कि ऑनगोइंग मैच में रोहित शर्मा अंपायरों पर चाहकर भी उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन रोहित ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया। आगे देखिए, रोहित ने कहा कि कभी कभी तो लगता है कि विदेश में आकर 11 नहीं बल्कि 13 खिलाड़ियों से खेलना होता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी जो रोहित शर्मा के मुंह से निकली थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी वहां के अंपायर्स ने खूब बेईमानी की थी, खूब गंदा खेल किया था, और अब यहाँ अंग्रेज अंपायर अपने देश के लिए मनमानी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। और रोहित ने कहा कि उनकी टीम ऐसे हालात में भी जीत कर दिखाएगी क्योंकि हम रन बनाने के लिए खेल रहे हैं, सिर्फ विकेट बचाने के लिए नहीं। और रोहित शर्मा ने खुलकर अंपायरों की पोल खोल दी, सबके सामने बता दिया कि अंपायर मैदान में किस तरह का रवैया दिखा रहे हैं, किस तरह का खेल दिखा रहे हैं। रोहित से ऋषभ पंत को लेकर भी सवाल किया गया और ऋषभ पंत के स्टांस को लेकर भी बात हुई। रोहित से सवाल किया गया तो रोहित ने कहा कि एक बल्लेबाज जहां चाहे वहां पिच पर खड़ा हो सकता है, इसमें अंपायर कोई रोक टोक नहीं कर सकते। लेकिन अंपायरों ने पहली पारी में बैटिंग के दौरान ऋषभ पंत को ज्यादा आगे खड़े होने पर स्टांस बदलने पर मजबूर किया था। वहां पर ऋषभ स्विंग गेंदबाजी से निपटने के लिए क्रीज से आगे खड़े थे मगर अंपायरों ने ऋषभ को पीछे जाने पर मजबूर किया
दिया और यहाँ पर रोहित शर्मा ने साफ साफ कह दिया कि अंपायरों का ये फैसला गलत था। बल्लेबाज पिच पर कहीं भी खड़ा हो सकता है, आधी पिच में भी खड़ा हो सकता है। अंपायरों को ये अधिकार नहीं होता है कि वो बल्लेबाजों का स्टांस बदल दे, लेकिन यहाँ पर ऋषभ को जबरदस्ती पीछे किया। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा ने साफ साफ अंपायरों की पोल खोल दी, बेईमानी की पूरी कहानी बता दी और बता दिया कि उनकी टीम 11 नहीं बल्कि 13 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। और ये भी बता दिया कि कितनी भी साजिशें अंग्रेज कर लें, कितनी ही ये कोशिशें कर लें, लेकिन भारतीय टीम हार मानने वाली नहीं है और टीम इंडिया न सिर्फ इस टेस्ट मैच में बल्कि अगले टेस्ट मैचों में भी जीतकर सीरीज को जीतकर इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। तो रोहित की बातों से आप कितना सहमत हैं? रोहित शर्मा के आउट होने पर, ऋषभ पंत के स्टांस बदलने पर मजबूर करने पर अंपायरों की कितनी बड़ी गलती है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो लॉर्ड्स में शानदार खेल दिखाने के बाद लीड्स में भारतीय टीम ढेर हो गई। अब लॉर्ड्स में अच्छे वक्त में हम टीम इंडिया के साथ थे, तो खराब वक्त में भी हमें टीम इंडिया के साथ खड़ा होना चाहिए। ये किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा। शमी मैच के दूसरे दिन के बाद मीडिया के सामने आए। शमी ने सबसे पहले यही कहा कि हर टीम का लो दिन होता है और हर टीम के साथ ऐसा होता है, इसीलिए पहले तो हम चाहेंगे कि भारतीय फैंस ऐसे हालात में भी हमारा सपोर्ट करें, तभी हम आगे बढ़ेंगे और जीत भी पाएंगे। जी हां, शमी ने जीतने की बात कही। मोहम्मद शमी से पूछा गया कि जब इंग्लैंड की बढ़त 350 रन के पार हो चुकी है तो ऐसे में पारी की हार साफ साफ दिख रही है और आप जीतने की बात कैसे कर रहे हैं? तो शमी ने पिच का पूरा गणित, पिच के हालात, टीम इंडिया की जीत का सूत्र और समीकरण भी बता दिया। मोहम्मद शमी ने बताया कि पहले दिन भी पिच पर घास नहीं थी, बस बादलों की वजह से पिच में थोड़ी सी नमी थी और बॉल स्विंग होने लगी। लेकिन जब पहले दिन 50 ओवर्स का खेल हुआ तो हेडिंगले की पिच पूरी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप की पिचों की तरह फ्लैट हो गई, पूरी तरह से एकदम। जी हां, शमी ने बताया कि दूसरे दिन भी पिच और ज्यादा फ्लैट हो गई, बल्लेबाजों के लिए बेहद आसान हो गई और पूरी तरह से ड्राई पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए मदद पूरी तरह से खत्म हो गई, बल्लेबाज आसानी से रन बनाने लगे। शमी ने कहा कि अब पिच पूरी तरह से भारत के बेंगलुरु के मैदान की तरह नजर आ रही है और भारतीय टीम मैनेजमेंट ने भी तय किया है कि अब भारतीय बल्लेबाज इसी माइंडसेट के साथ मैदान में खेलने जाएंगे कि हम बेंगलुरु में मैच खेल रहे हैं, लीड्स में नहीं। जी हाँ, यही टीम इंडिया का प्लान भी है। शमी ने बताया कि सब कुछ माइंडसेट का खेल है, पर अब हमारे बल्लेबाज बेंगलुरु के माइंडसेट से लीड्स के मैदान में खेलेंगे, तो तीसरे और चौथे दिन भारतीय टीम बहुत बड़ा स्कोर बना सकती है। और टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर्स रन बनाते हैं, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा करता है, तो हम 500 रन के आसपास बना सकते हैं, जिससे 150 या फिर 200 रन का टारगेट भी अगर हम इंग्लैंड को देते हैं तो हमारी जीत की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जी हां, शमी ने कहा कि चौथे दिन की शाम और पांचवे दिन लीड्स की पिच बेहद ज्यादा टर्न लेने वाली है और रविंद्र जडेजा की बॉलिंग को खेलना इसमें असंभव हो जाएगा और इसीलिए भारतीय टीम अब भी जीत के बारे में सोच रही है, जीत की प्लानिंग कर रही है और जीत के लिए इसीलिए बेंगलुरु वाला प्लान भी चालू कर दिया गया है। वैसे ये सच भी है कि भारत की जीत अब भी मुमकिन है, क्योंकि भारतीय पिचों पर यही टीम इंडिया के खिलाड़ी दोहरे शतक लगाते रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चेतेश्वर पुजारा, राहुल या फिर विराट कोहली। और अगर दूसरी पारी में ये खिलाड़ी बड़ी पारियां खेलते हैं और भारतीय टीम को 500 के पार, 600 के आसपास पहुंचाते हैं तो फिर तो टेस्ट मैच भारत की मुट्ठी में होगा और बाकी का काम रविंद्र जडेजा चौथी पारी में पांचवें दिन आसानी से कर देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा और अंग्रेजों की सबसे बड़ी और सबसे बुरी हार होगी, क्योंकि 78 रन पर आउट होने के बाद भी टीम इंडिया अगर जीतती है तो ये ऐतिहासिक होगा, चमत्कारिक होगा। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।